कभी कहते हैं मनमना भव याद करो और कभी कभी कहते हैं साकार में निराकार हाँ उसलिए कहते हैं कि बच्चे साकार के 63 जन्म से आदि हो गए हैं 24 घंटे निराकारी याद में रह नहीं सकते हैं और हमारी याद को सहज करके बताया है। सन्यासियों की याद होती है निवृत्ति मार्ग की, निवृत्ति मार्ग की याद में वो सिर्फ आत्मा को याद करने के आदि होती है, वो भी बड़ी कठिनाई होती है ज्योतिबिंदु की याद में टिकने के लिए। बाप प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, कहते हैं आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती, आत्मा बिगर शरीर जैसे जड़वत है, तो जड़वत को याद करेंगे तो क्या बनेंगे, जड़वत ही बनेंगे। इसलिए जितने भी विधर्मी हैं या विधर्मी धर्म पिताएं हैं उनकी बुद्धि और उनकी बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान जड़त्वमयी ज्ञान है या नई दुनिया में ले जाने वाला ज्ञान है, जड़त्वमयी ज्ञान। तो बाबा ने तो और हमको सहज करके बताया है, 24 घंटे धूनी रमाकर बिंदु की याद में कोई नहीं बैठ सकता। एक के लिए गाय में है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो भी लंबे टाइम की प्रैक्टिस के बाद वो अवस्था बनती है, तब जाकर के कहीं निराकार और साकार की प्रवृत्ति बनती है। पूरे 84 जन्म ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला निराकार बाप समान मनमना भव, जैसा बाप निराकार चाहता है 100% वैसे ही संकल्प में रत रहता है। इसलिए याद प्रवृत्ति मार्ग की है और प्रवृत्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म इस सृष्टि पर 63 जन्म नहीं 84 जन्म रहने के हम आदि हैं, तो हमारे लिए तो और ही सहज हो जाता है। इसलिए बोला कम कार्डे दिल यार्डे। और बाबा हाँ जी, जैसे हर चीज का रिसाइकलिंग होते रहता है, जैसे हर चीज का रिसाइकलिंग होता है, हाँ जी, क्या समय का भी रिसाइकलिंग होता है, का समय टाइम भी रिसाइकलिंग होता है या वो आगे बढ़ता है? समय का ही तो रिसाइकलिंग होता है, समय के अंदर बाप भी बंधा है मान है, कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। हाँ समय जड़ है,
और आत्मा चैतन्य है, चैतन्य आत्मा निमित्त बनती है समय को परिवर्तन करने के लिए, रिसाइकलिंग में लाने के लिए निमित्त कौन है? आत्मा। जो जितनी शक्तिशाली आत्मा होगी उतना परिवर्तन लावेगी। जैसे कोई आत्मा अभी पार्ट बजाज में घूमे, सेम टाइम में कोई फिक्स टाइम का क्या वो दूसरे पार्ट बजाएगा? हर आत्मा का साइकिल नुदा हुआ है। आप जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। ऐसे ही हर आत्मा परमधाम में जहां से उतरी है, इस दुनिया में 84 के चक्र में जहां जहां उसका पार्ट नुदा हुआ है, पार्ट बजाने के बाद परमधाम में उसी स्थिति में उसी सीट पर जाकर के सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पार्ट आपका चल रहा है तो क्या इस टाइम में कोई और पार्ट चल सकता है? ये आत्मा की शक्ति के ऊपर है। आत्मा अति सूक्ष्म है तो एक समय में अनेकों में पार्ट बजा सकती है। टाइम का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। हाँ, अंतर भी नहीं मालूम पड़ेगा। एक ही सेकंड में संपन्न आत्मा अनेकों में प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है, अनेकों की बुद्धि को घुमा देगी। एकाग्रता की शक्ति की बात है। विष्णु जी को एक नाक पर क्यों दिखाया जाता है? अपनी बात पूरी करिए। हाँ, क्या कह रहे? आज जो गुड़िया की बात करी, गुड़िया जो याद नहीं है, बाबा को सिर्फ याद कर सकती है। बाबा को सिर्फ याद कर सकती है, बूढ़ी माता है। हाँ, तो वो स्वर्ग में आ सकती है, दुनिया में आ सकती है, नई दुनिया में आ सकती है। हाँ जी, तो ऐसी बाबा ने बोला है नौ माताओं की आवश्यकता है। नौ माताओं की आवश्यकता नहीं बोला है, ये बोला बाबा को 8 बूढ़ी ऐसी माताएं चाहिए, सरेंडर बुद्धि, जो बाप की याद में रहकर तोतली भाषा में दुनिया वालों को संदेश देती रहे। हाँ, 9 नहीं 8। और मुरली में आया था, नौ माताओं की आवश्यकता है, नौ धर्म स्थापन करने के लिए, नौ धर्म स्थापन करने के लिए नौ माताओं की आवश्यकता। बाप एक धर्म स्थापन करने के लिए आता है या नौ धर्म स्थापन करने के लिए आता है? बाप भेद पैदा करने के लिए आता है। नौ की आवश्यकता है, अभी आगे जो स्थापना होगी धर्म स्थापन होता है तो बाप कराता है। वो कि आप कराते हैं, आपकी हो गई, लेकिन अभी जो आगे से आपकी हो गई तो बाबा ही कराएंगे। उस बात सही है, बाबा कराते हैं। आपसे धर्म की बाबा भेद बुद्धि पैदा कराते हैं। माताओं की बोले मंद बुद्धि है, उनको इंस्पायर कौन करेगा? बाबा ही करेगा ना। बोल तो दिया कि जो चीज यंत्र है घिसते घिसते पूरा घिस गया, तो जितनी उसमें औकात है उतना ही काम करेगा ना, उससे ज्यादा काम कैसे कर जाएगा? इसलिए कुमारों के लिए बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते। अब बुढ़ियों के लिए तो ऐसे नहीं बोलते
कि बुढ़िया जो चाहे सो कर सकती है, कुमार चाहे तो विश्व की बादशाही ले सकते हैं, और चाहे तो सारी दुनिया का विध्वंस कर सकते हैं। और बाबा आत्मा तो कभी बूढ़ी होती ही नहीं। आत्मा की बात कुमार की बात हो रही है या बूढ़ी की बात हो रही है? बूढ़ी आत्मा होती है, कुमार आत्मा होती है, या शरीर को कहा जाता है? बहुत सुंदर। प्रश्नावली फेल कर दी। अब बाबा विष्णु जी को, अरे इसको भी बोल लेने दो। विष्णु जी को शेष मास्टर को लुटाया। हाँ, ये बच्चा पूछ रहा है विष्णु जी को सांपों की सैया के ऊपर क्यों लिटाया जाता है? ये स्टेज दिखाई है कि सांप तो इतना भयंकर होता है कि किसी के छूने में आ जाए अचानक तो चिल्ला के भाग खड़ा होगा, कहां मुसीबत आ गई। और विष्णु सांपों की सैया पर आराम से पड़े हुए, माने दुनिया की कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा क्यों न हो, विकारी ते विकारी आत्मा क्यों न हो, उन विकारी आत्माओं के साथ भी स्वभाव संस्कार मिला करके चलना, तालमेल बिठा करके चलना, उनको भी संतुष्ट करके चलना, ये विष्णु की शेष सैया की उपाधि दिखाई गई है। और ओहो, बूढ़े आदमी की भी बात सुन लो बाबा। हाँ, ये पशु पक्षी है तो इनको यही वही जो की, हाँ ये अन्याय है, ये अन्याय है। अरे वो मनुष्य का भी जन्म ऐसा होता है कि इसी में उत्थान होता है, उत्थान हो जाए। अच्छा ये बताओ कि इंद्रियों से सुख दुख होता है कि बिना इंद्रियों के सुख दुख होता है? इंद्रियों से सुख, इंद्रियों से ही दुख। अच्छा ज्यादा इंद्रियां होंगी तो ज्यादा सुख दुख होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अब जो कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी होते हैं उनमें इंद्रियां कम होती हैं या ज्यादा होती हैं? कम होती हैं, तो उनको सुख कम होगा और दुख भी कम होगा। तो है क्या उनको वही जन्म मिलेगा क्या, और जन्म मनुष्य का जन्म मिलेगा या नहीं? मनुष्य कहा जाता है जब मन है, प्राणियों में मन उतनी प्रधानता का नहीं होता है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कह सकते, वो मनन मन का काम नहीं करते। मन का जो काम करे वो मनुष्य, मन का काम न करे तो मनुष्य नहीं है। तो प्राणी जो है वो मन उनमें होता तो है लेकिन उस कोटि का मन नहीं होता जितना मनुष्यों का होता है। मन से ही सुख दुख भोगा जाता है, तो मनुष्य चाहे तो बड़े से बड़ा सुख भोग सकता है और मनुष्य चाहे तो बड़े से बड़ा दुख भोग सकता है। सुख और दुख की पराकाष्ठा मनुष्य के जीवन में है, और जानवर इतने न दुखी होते हैं और न इतने सुखी होते हैं। और कर्म होता है ये नहीं कि इस जन्म में जो शेर है
वो हर जन्म में शेर ही बना रहेगा। अरे शेर से चीते पैदा हो जाते हैं, किसी जंगल में आग लग जाए सारे शेर खत्म हो गए, शेर नहीं बच गई। और उसको बुल्ला कुत्ता मिल गया तो काम विकार ऐसी मनोवृत्ति है कि बुल्ला कुत्ते से भी नई जाति पैदा हो जाएगी। ये चौपायों की जाति है, जाति और प्रजातियां बदलती रहती हैं। और कृष्ण के साथ मथुरा का नाम जोड़ा जाता है, कृष्ण के साथ मथुरा का नाम जोड़ा जाता है, राम के साथ अयोध्या, राम के साथ अयोध्या। राम ने जो दुनिया स्थापन की है, राम रचयिता है या रचना है? रचयिता है। और कृष्ण रचना है। जो ऊंचा होगा वो ऊंचा काम करेगा और नीचा होगा तो नीचा काम करेगा। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण की बहुत बढ़ाई कर दी है। कृष्ण को गीता में भगवान साबित कर दिया। राम रचयिता है, राम में निराकार भगवान प्रवेश करके नई दुनिया रचता है। उस नई दुनिया का कृष्ण पहला पत्ता है, पहली पहली रचना है। तो रचना कम पावर वाली होती है और रचयिता ज्यादा पावर वाला होता है। जो जितनी पावर वाला होता है वो उतनी ही पावरफुल चीज तैयार करता है। स्वर्ग है पावरफुल चीज और नरक है क्या? कमजोर चीज। कृष्ण को नरक है या भगवान कहें, वो नर है, नर से नरक बनता है। राम भगवान की कोटि पर पहुंचता है, भगवान बनता नहीं है, भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करता है। ये स्टेजेस हैं, ऊंची से ऊंची स्टेज है भगवान, उसके बाद है देवता, उसके बाद है मनुष्य, उसके बाद नीच कर्म करने से बनते हैं राक्षस दैत्य, और वो हो जाते हैं जानवरों से भी बदतर। जानवरों से भी नीची कोटि है पशु पक्षियों की, वो जो ज्यादा दुखदायी है। तो सबका रचयिता कौन हुआ? भगवान शिव, शिव को रचयिता नहीं कहेंगे। रचना और रचयिता का संबंध है
विनाशी और अविनाशी से है, रचना भी विनाशी और रचयिता भी विनाशी है। आज है कल नहीं रहेगा, ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा कलयुग के अंत में रचयिता है नई दुनिया का, नहीं। हाँ, शिव जब प्रवेश करे तो राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करके नई दुनिया का रचयिता बनती है। तो स्थान में भी अंतर पड़ेगा या नहीं? ऊंचे ऊंचे साहूकार घराने के होते हैं, उनका फर्नीचर कैसा होता है? आलीशान फर्नीचर होता है। गरीब आदमी होगा, टूटा खटोला होगा। तो ऐसे ही उनका स्थान है अयोध्या। ऐसी दुनिया रचते हैं जहां युद्ध का नाम निशान नहीं हो, मनसा का भी युद्ध न हो, आपस में संस्कारों की भी टकराहट नहीं होनी चाहिए, वाचा की टकराहट, कर्मेंद्रियों की टकराहट, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो राम का कनेक्शन है अयोध्या से और कृष्ण का कनेक्शन है मथुरा। मथ माने यह मथ, और माने जांग, और माने जांग। उनका ऐसे स्थान से कनेक्शन है जहां जांग को मथा गया है। विकारी अर्थ का सूचक है कि निर्विकारी अर्थ का सूचक है? विकारी अर्थ का सूचक। नर से नरक बनता है, विकार बनते हैं, और भगवान से स्वर्ग बनता है। नर से नर भी तो बनाने वाला कौन है? तो अंतर क्या हुआ? बनाने वाले का अंतर हुआ या नहीं हुआ? तो बनाने वाले का अंतर हो गया। वो ही नर है, राम वाली आत्मा भी होती है कलयुग के अंत में। वो ही नर है, कृष्ण वाली आत्मा भी है। कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में दादा लेखराज, दादा लेखराज से जो रचना तैयार हुई उसी संस्था बनी, ब्राह्मण संस्था बनी। वो कौन से कुल के ब्राह्मण बने? कुखवंशावली ब्राह्मण बने, और राम से मुखवंशावली में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सूर्यवंशी वंशावली तैयार होती है। एकदम फिल्टर होता रहता है, फिल्टर होता रहता है। थोड़ा भी नुक्स हुआ कैंसिल, इंतजार करो और पुरुषार्थ करो। काशी मरो तो स्वर्ग पर, काशी माने याद की स्टेज, काशी माने याद। याद किसको आएगी? दुनिया को छोड़ेगा तो याद आएगी, और दुनिया को छोड़ेगा ही नहीं तो याद कैसे आएगी? हाँ गांधारी ने मां बाटला युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण को श्राप दिया था कि तेरा कुल नष्ट हो जाओगे, इसका भी अर्थ क्या है? गांधारी है कौन? है
अरे गांधारी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में गांधारी कौन है? हैं? अरे एडवांस वालों को तो सारा ज्ञान मिल चुका है, ब्राह्मणों की दुनिया में गांधारी का पार्ट किसका है? हाँ जी, अंधी थी या अंधी बनकर के दिखाया? दिखाया। ऐसे नहीं कि भगवान को जानती नहीं थी, जानती तो थी लेकिन अंधे बन करके दिखा दिया, हमें तो देखने ही नहीं आता, इसको फॉलो करती थी, अंधे को फॉलो करती थी। वास्तव में सच्चे सच्चे अर्थों में मोह में धृतराष्ट्र अंधा था या गांधारी अंधी थी? धृतराष्ट्र अंधा था। मेरा बच्चा, इसको भी वरदान दे दो, इसको भी वरदान दे दो, इसको भी वरदान दे दो। ब्रह्मा ने क्या किया? कोई भी धर्म का बच्चा हो, आओ गोद में पलो, सबको वरदान दे दिया, सब मेरे बच्चे हैं। जैसे भाई अभी पूछता है, कीड़े मकोड़े क्या भगवान के बच्चे नहीं है? इसका मतलब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान अपने बच्चों में आके परवरिश भी करेगा? फिर तो कूपर अवतार, सुपर अवतार, कच्छावतार, मच्छावतार, उन बच्चों में आके भगवान को अवतार लेना पड़े कि नहीं लेना पड़े? लेना चाहिए। तो भगवान की भी दुर्गति कर दी। और बाबा मेरा प्रश्न यह है कि हम आत्माएं नहीं जानती हैं, ये परमात्मा ने मतलब हमको यहाँ पर भेजा है, और जब हम आत्माएं ऊपर से जब नीचे उतरती जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, लेकिन भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर वो हमको यहाँ क्यों भेजते हैं? कर्म किसने किए? अभी भगवान आया हुआ है, जो भगवान कहता है वही करते हो? अरे रुको, समझ तो लो, भगवान जो कहता है वही करते हो, उल्टा भी करते हो? उल्टा करते तो भुगते हो कौन? भगवान की गलती, भगवान ने बता दिया ये शूटिंग काल है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं तो रास्ता बताता हूं, मैं तुमको नरक में नहीं ढकेलता हूं, दुख की दुनिया में मैं नहीं भेजता हूं, मैं सिर्फ रास्ता बताता हूं कि ऐसे चलेंगे तो हल्के रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, और ऐसे चलेंगे तो नरक में जाएंगे, दुखी होते रहे। हो सकता है स्वर्ग में जाने का मुंह भी न मिले। हाँ जी, मिरुआ कहते हैं जानवर को, मलूका कहते हैं शिकारी को। मिरुआ मौत माने जानवर की तो बेचारे की छटपटा छटपटा के मौत हो गई, और खुशी किसको हुई? शिकारी को। बड़ा आनंद आ गया, बढ़िया मांस मिलेगा, भून भून के खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, मेरी बीवी भी खाएगी, मेरे बच्चे भी खाएंगे, आज तो एकदम सारा दिन सफल हो गया। तो उसको कहते हैं मिरुआ मौत, मनु का शिकार। ये हुई हद की बात। अब बेहद में भी ये बात लागू होती है। क्या तुम बच्चे शिकारी हो? क्या कैसे शिकारी हो?
इस दुनिया में जानवर भरे पड़े हैं। देव आत्माएं इशारे से समझ लेती है, जो मनुष्य होते हैं कहने से समझते हैं, और जानवर कहने से भी नहीं समझते, कहने से भी नहीं समझते। उनके लिए क्या चाहिए? डंडा चाहिए, तीर कमान चाहिए, तलवार चाहिए, दंड चाहिए। तो ये दुनिया जानवरों की दुनिया है। भगवान को 70 साल से ऊपर हो गए चिल्लाते चिल्लाते, बच्चे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। जो जानवर बुद्धि है वो मानने वाले नहीं है। तो ऐसे जानवरों को क्या होना चाहिए? शिकार। और जो सीमत पर चलने वाले हैं उनको नई दुनिया मिलेगी। ये जानवर मरेंगे तब तो नई दुनिया आएगी। ये जानवरों की 500-700 करोड़ की दुनिया है, ये सुधरने वाले नहीं है। इनके ये मुरमिरवा मौत, इन जानवरों की मौत आए, ये कोई गाली नहीं है। सच्चाई है या गाली है? ये सच्चाई है। तब हमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं कि अपने गंदे वाइब्रेशन से हमारे अच्छे वाइब्रेशन को भी सत्यानाश करती रहेगी। जेनेटिक बीमारी जो है बच्चों पे असर डालते रहता है, ये क्या है? जेनेटिक बीमारी जो अनुवांशिक बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी, हाँ जी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसका कारण? इसका इसका कारण भी पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार ऐसे वंशावली में जाके जन्म मिलता है जहाँ उनको वो बीमारी मिल जाती है। आपको मेरे सपने में लौकिक घर में आए, इसका बेहद क्या बड़ी बात है? आपको दुख हो रहा है क्या? अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, खुशी में रहो। हाँ जी, है पब्लिक सेवा, पब्लिक सेवा, उसके लिए क्या हम बच्चे मुर्गी के आधार पर फ्लेक्सिबल कोई चित्र बैनर फ्लेक्सिबल बैनर बैनर तो कंप्यूटर में बनता है बैनर 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 पोस्टर बैनर पोस्टर बैनर हाँ श्रीमद के आधार पर बना के हम मतलब सकते हैं। तो मुरली में ही बोल दिया, जो ज्ञान के खास खास पॉइंट है वो बड़ा बोर्ड बनाओ, बैनर बनाओ, उस पर लिखो मोटे मोटे अक्षरों में और चौराहों पर बड़े बड़े स्थानों पर लगा दो। आपके मतलब एक प्रसिद्ध करो या आपके बगल में तो रखा गया है, भेजा गया है आपके पास पढ़ने के लिए। अरे बताओ ना क्या है? हाँ हाँ जी, ये चक्र बनाया। हाँ तो इसमें बाबा का परिचय साथ साथ बाबा का वितरण के बारे में, उसके साथ साथ हमारी जो ज्ञान है एडवांस ज्ञान उसी के बारे में सब समझाने के लिए एक कागज भी पूरा आपके पास होगा, देखिए उसमें सब प्रश्न भी मतलब लिखा गया है, उसका समाधान। अब करना क्या है? पब्लिक को इसके बारे में समझाना है। पब्लिक को इस बारे में ये अलग चिपकाएंगे और ये छोटा कागज अलग चिपकाएंगे? उसी कागज मतलब उसी चित्र के ऊपर वो सारे प्रश्न का हल किया जाए। ये बैनर तो आपने बनाया जी। लेकिन ये कोई नया बनाया नहीं है, ये तो वही षष्ठी चक्र है।
जो बाबा ने तैयार किया कराया है साक्षात्कार से। अब इसके बारे में जो डिटेल बतानी है वो छोटे पेपर में छपाने से क्या होगा? नहीं नहीं, कहने के मतलब पब्लिक को दे दिया जाएगा उसको, और उसी के ऊपर ही आपको समझाया जाएगा, बोलते उसको संदेश दिया जाएगा। आपने बैनर लगाए चौराहों पर, तिराहों पर, एयरपोर्ट पर और ट्रेन में और स्टेशनों में, बस स्टैंड पर, और आप ले लेकर के छोटा कागज इधर उधर समझाएंगे, किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा है, कैसे समझ में आएगा लोगों को? नहीं, उसी को देखे, सभी में ले उसको, वो तो बिल्कुल हम लोग आपको कह रहे हैं। ऐसे जाने कितने पंपलेट छप चुके हैं, वो पंपलेट छपाना आसान है लेकिन पंपलेट पर डिटेल में समझाना और लोगों को निकालना बहुत कठिन है। पंपलेट में पैसा सब कोई खर्च कर सकता है, दिमाग लगा के पंपलेट तैयार कर सकता है, लेकिन बांटेंगे किसको? दुनिया तो जानवरों की है, सुनना ही नहीं चाहती तुम्हारी राम रेंदा को। बाबा ने सीधा बताया, वो क्यों नहीं पकड़ते? आप अपनी मनमत क्यों चला रहे हैं? मुरली में बता दिया कि बड़े बड़े पोस्टर बनाओ, उसमें लिखो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, तो लोगों को अजूबा लगेगा। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती है, मनुष्य आत्मा रूपी बीज सिर्फ मनुष्य जाति में जन्म लेती है। तो ऐसे डिटेल की बात है, समझाओ। कोई भी तो आपको दिया गया है, एक कागज में आपको दिया गया है, वो पोस्टर दिया हुआ है, उसमें नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, वो फोन नंबर लगा के खुद ही पूछेगा आपने ये क्या लिखा। तो घर बैठे बैठे आप सुना, पंपलेट भी देने की दरकार नहीं है। और ब्रह्मा जी के 3 सर क्यों दिखाए हैं? देखे ही नहीं। ब्रह्मा जी के 5 सर भी दिखाए, ब्रह्मा जी के 4 सर भी दिखाए, 3 सर तुम्हें दिखाई पड़ते, पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ता। चार स्थापना के, चार पालन की और चार विनाश की है। कहे के 12 सूर्यवंशी, सूर्यवंशी के 12 ग्रुप, 12 का ग्रुप, हाँ, जिसमें 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। हाँ जी, उसमें बताया 8 बताया कि 8 धर्मों के वो पूर्वज है, ब्रह्मांड धर्म की पूर्वज भी, और 3 आत्मा रहने बाबा वो किस धर्म से करेंगे हैं? 12 में बाबा 9 धर्म की जो आत्माएं हैं वो 9 धर्मों की पूर्वज हो गए, और 3 जो आत्मा रह गई वो उनका किस धर्म से करें छिपा? जो 9 धर्मों की पूर्वज है उनमें कोई अर्धनास्तिक है? अर्धनास्तिक है या नहीं है? है ना? जो अर्धनास्तिक है उसमें बीज पड़ा हुआ है विनाश का, उसको स्थापना की तरफ मिलाएंगे या विनाश की तरफ मिलाएंगे? विनाश ही है, 4 हो गए। हाँ जी, जो 4 बीज हैं उन 4 में से 3 हैं विनाशी धर्म के मुखिया, राम के 3 भाई, उन 3 में सभी विधर्मी आ जाते हैं। और फिर राम के 3 भाई तो फिर अपने अपने धर्मों को का भी मुखिया होंगे ना, इस्लाम धर्म का भी किसका मुखिया होना चाहिए? हाँ जी, हाँ, डबल एक ही मंत्र, एक ही आत्मा 2 बार कैसे आएगी महाराज? एक ही आत्मा 2 बार जन्म नहीं है, अनेक बार जन्म लेती है, 2 बार क्यों? 108 की माला बनेगी, 108 मंत्र होने चाहिए ना, एक मंत्र 2 बार हो रही
हैं? राम के जो भाई हैं, वो तो विनाशी हो गए, सुवंशी के बालक रूप में आते हैं, दशमाई के आत्मा बारमा, और जो दशमा मन का राम धर्म का बीज है, बौद्ध धर्म का बीज और कृष्ण धर्म का बीज है, वो भी तो बाबा अपने बालक के रूप को कंट्रोल करेगा ना, बौद्ध धर्म का ही लेगा, बारह इस्लाम का भी ग्रुप है, बारह बौद्धिक का भी, बारह क्रिश्चियन का भी, उनका मुख्य बाबा कौन है? बौद्ध धर्म का मुखिया बौद्ध, राम के तीन भाई में से इस्लाम, इस्लाम धर्म का मुखिया इस्लामी, वो मुस्लिम धर्म का भी मुखिया हो गया, हाँ? अरे तुम पूछ के आ रहे हो, वो भी किसी की समझ में आए? चार स्थापना, चार पालना, चार, और माता जी आपका अब चेहरा देखना चाहती है, खड़े हो जाओ, दिखा दो दिखा दो दिखा दो, क्या प्रश्न किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखना चाहते हैं, दिखा दो ना, बूढ़ी माता है आपका चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा किसी ने इनका प्रश्न समझाओ तो बताए, हाँ बोलो, नौ धर्म के नौ धर्म के नहीं है, एक सौ आठ की जो माला बनती है उसमें आठ है आस्तिक टोटल, हाँ जी, जो आठ आस्तिक हैं उनके अलावा जो तीन और बताए गए हैं दूसरे धर्म के मुखिया, वो उनमें नास्तिकपना भरा हुआ है, वो भगवान के साकारी रूप को मानते ही नहीं, राम के तीन भाई, कोई वो सूर्यवंशी जो आ गए उनमें अंतर है कि नहीं फिनिशिंग में, हाँ बारह में आ गए लेकिन वो अंतर है उनमें फिनिशिंग में, हाँ नहीं वो नहीं आएंगे, वो तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशियों में भी कम्प्लीटनेस तब आएगी जैसे शिव भगवान भगवान तब है जब स्थापना भी कराए पालना भी कराए और विनाश भी कराए, तब है शिव भगवान, ऐसे ही सूर्यवंशियों का जो हेड है उसका काम भी तब पूरा होगा जब वो स्थापना भी कराए पालना भी कराए और अंत में विनाश भी कराए, उसके निमित्त वो तीन है, राम के तीन भाई बारह के ग्रुप में आ गए ना, बारह के ग्रुप में आ गए लेकिन उनका काम ही है स्पेशली, हाँ जी, तो इस्लाम धर्म का जो बारह का ग्रुप बनेगा उसका मुख्य बाबा कौन होगा? वो भी तो विनाशी है, वो तो लक्ष्मण की आत्मा नहीं होगी ना, लक्ष्मण भी वो भी विनाशी है, बहुत ही सारे इस्लामियों के और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आ जाते हैं, किसका? इस्लाम धर्म का जो बारह का ग्रुप का मुखिया मुखिया वाली आत्मा कौन सी आत्मा? वो अलग नहीं, ये सूर्यवंशी हैं, ये आदि के हैं, सूर्यवंश आदि का है या मध्य का या अंत का, तो आदि के ही हैं चारों, इनकी मेडिकुलेशन अभी यज्ञ में नहीं आए हैं, नाम धर्म के जो बारह बनके हैं, हाँ वो भी यज्ञ में नहीं है, उनका मुखिया भी यज्ञ में नहीं है, बारह यज्ञ में नहीं है, इस्लाम धर्म का जो मुखिया है, हाँ तो भरत भाई आत्मा तो उसको कंट्रोल नहीं करेगी, अरे विनाश का काम लास्ट में होगा कि फर्स्ट में होगा, तो जब उनका काम होगा तो मैदान में देखने में आएंगे, अभी भी काम तो कर रहे हैं, उनका काम देखने में नहीं आ रहा है, विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं या संगठन कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं, आदि से लेकर के अंत तक विघटन करेंगे,
जब विघटन संपन्न हो जाएगा उनका काम पूरा, वो भी कल्याणकारी है, इसलिए आ जाओ ग्रुप में। और वनवास के समय साथ का उग्र से जुड़ा हुआ है, भारत के साथ में भारत उग्र से जुड़ा हुआ है। वनवास के समय भारत के साथ में भारत उग्र के साथ में उग्र से जुड़ते हैं बाबा, भारत के साथ उग्र से जुड़ते हैं। भारत वर्ष, हाँ, इसका क्या मतलब है बाबा? वर्ष वर्ष माने स्थान। हाँ जी बाबा, वनवास के समय राम के साथ लक्ष्मण को सदा साथ निभाते हैं, हाँ? तो क्या अब बुद्ध रंग की आत्मा राम का सहयोग कर रही है, हाँ? अभी बुद्ध रंग की आत्मा जो है लक्ष्मण वाली आत्मा, वो क्या राम का साथ दे रही है? यदि बौद्ध धर्म हो या सन्यास धर्म हो, ये जितने भी भारतीय धर्म हैं, या सिख धर्म हो, इनका बीज राम में है या कृष्ण में है? इनका बीज किस में है? बौद्ध धर्म का बीज किस में है? सन्यास धर्म का बीज किस में है? राम वाली आत्मा प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है या कच्ची है? है? पक्की है। फिर इसलिए जितने भी और धर्म हैं, उन सब का बीज ब्रह्मा में है, मां में है। बाप तो प्योर है, धरणी 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 का अंतर पड़ जाता है। और बाबा, सीता का जन्म किसे होता है समाज आचरण? सीता कौन आत्मा है, इस पर विचार ही नहीं चलता है आपका। सीता कौन सी आत्मा है? हा? हाँ, सीता वो आत्मा है जिसका बच्चा कृष्ण है। कृष्ण माने चंद्रमा। चंद्रमा किससे पैदा होता है? चंद्रमा की पैदाइश किससे? धरणी से। तो धरणी ही वसुंधरा है। वो पृथ्वी है, भारत माता नहीं है। भारत माता का छोटा रूप है कन्या का। प्रसंगी है, माता का रूप विस्तार में होता जाता है। अनेक देश पैदा हो गए, वो सीता है। पृथ्वी से ही जन्म लेती है, पृथ्वी में ही समा जाती है। मैंने पढ़ा है सीता का भगवान से संबंध, वो तो 10-12 आदमी इकट्ठे मंडप में और एक दूसरे सवाल करने को तो जो आपने 10-12 आदमी इकट्ठे कई गण घेर लेते हैं चारों तरफ के, वो लगते हैं सवाल करने के लिए क्या कर, घबरा जाएंगे, इतना जवाब भी दे पाते होंगे क्यों घबरा जाएंगे? उनसे समझाओ, किसी गांव में कोई कुत्ता जाता है और ढेर के ढेर कुत्ते उसको चारों तरफ से चीथने लगते हैं, तो ये कुत्तपना करना अच्छा या हम मनुष्य हैं इंसानियत में रहना अच्छा? उन्हें पहले समझाओ। एक एक करके एक एक आदमी पूछेगा तो जवाब मिलेगा ना। सारे इकट्ठे होकर के एक आदमी से जवाब करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? उसे नंबर दिए हुए हैं, फोन नंबर ढेर के ढेर नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग जगह चले जाओ, टाइम दो तो हम आपको अलग अलग टाइम पर अपने घर में सारे सबको समझाएंगे। आश्रम में आ जाओ, ढेर लोग मिल जाएंगे समझाने वाले। और
बाबा जब काला उदय की लड़ाई छिड़ी तब वो यहाँ से जाने लगे हैं। बाबा जब काला उदय की लड़ाई छिड़ी तो वो ये दुनिया छोड़ के जाने लगे। आधा तो बाप था और उदय बेटा था, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि अब ये दुनिया हमारे रहने के लायक नहीं है। और बाबा उनके पास एक पारस पत्थर था, पारस पत्थर था, इस वजह से लड़ाई छिड़ी थी। तो उन्होंने पारस पत्थर एक बहुत गहरे तालाब में डाल दिया और वहाँ से चले गए। जब सरकार को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उस तालाब को सुखा दिया और उसने जंजीर से हाथियों को दौड़ाया, जंजीर बांध के हाथियों को बोला कि इसमें कूदे। तो जब वो कूदे तब एक हाथी की जंजीर सोने की होगी, परंतु वो पारस पत्थर किसी को मिला नहीं। और कहा जाता है कि आज भी आला उदल उस जंगल में आते हैं और रक्षा बंधन की दे और तालाब से आजकल टीवी चला है, टीवी और टीवी में दुनिया भर की कथा कहानियां आती हैं। स्पर्धा हो रही है, हमारा चैनल ज्यादा देखा जाए। तो मनमोहक कहानियां सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं बच्चों को, तो मजा आता है। कुछ भी हो, ज्ञान की बातों में तो मजा आता नहीं उतना। बाबा ने क्या बोला है, बाबा ने शास्त्रों की कौन सी बात सच्ची बताई है, कौन सा सार निकाल के हमको दिया है, उसमें मजा नहीं आता। काय में मजा आएगा, जो दुनिया वाले बोलते हैं उन बातों में बहुत मजा आता है। अरे ये आला उदल भी कोई दूसरी बात नहीं है, जो उन्होंने आला में लिख दिया, ऊंची गद्दी आला बैठे बादर तीन हाथ रह जाए। अरे ऐसी कोई ऊंची गद्दी थोड़ा ही होती है, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ये विश्व की बादशाही की गद्दी मिली उनको, आला को, उनका नाम सारी दुनिया में आला नाम हो गया, ऊंचा नाम हो गया। उदल उनका बच्चा है, वो भी बहुत पावरफुल है। उन दोनों को पारस पत्थर मिला है, स्पर्श करने मात्र से ही लोहे को सोना बना देता है। तो शिव बाबा की कमाल है, जिन बच्चों में प्रवेश करते हैं वो रामकृष्ण रूपी बच्चे, जिन जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते हैं अपनी संपन्न स्टेज में, वो आत्माएं चेंज हो जाती है। कैसा भी पत्थर बुद्धि हो, लोहा बुद्धि हो, उसकी बुद्धि सोने की हो जाती है। बातें तो सब सच्ची होती है, लेकिन उनको ज्ञान के दर्पण में देखने की शक्ति चाहिए। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे अखबार मत पढ़ो, ये ब्रह्मा बाबा तो अखबार पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो उनकी दृष्टि अलग है, वो उसमें से बेहद की बातें निकालते हैं। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका अक्ष ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी पड़ रहा है, लेकिन उसका तालमेल बैठाने के लिए ज्ञान की बुद्धि चाहिए, ज्ञान की आंख चाहिए, नहीं तो डिटेल की बातों में जाने से कोई फायदा नहीं मिलता। बाबा, हाँ जी, उनका जन्म और राष्ट्र कब हुआ? कृष्ण का जन्म और कृष्ण का राज तिलक, कौन से कृष्ण का राज तिलक? कौन से कृष्ण का राज तिलक और कौन से कृष्ण का जन्म? बच्चे के रूप में जन्म, बच्चे के रूप में, जब सबका ये शरीर छूट जाएगा, अब बूढ़ी माताओं का तो पक्का ही समझो, बाकी जो वेद का कृष्ण है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि कंस की दुनिया के बीच में कृष्ण का जन्म हुआ,
उसको हो सकता है आप भी देखे और आपकी भी बुद्धि में आ जाए। बाबा जी ये तो आप बैठा हुआ राम भी बैठा हुआ, कृष्ण भी बैठा हुआ, रावण भी बैठा हुआ, अब बैठा तो सबको ही हुआ है। वो किसके मस्तक पर क्या बैठा हुआ है वो तो साक्षात्कार करने वालों को दिखाई पड़ता है, हमको तो नहीं दिखाई पड़ता। हम कैसे माने? बूढ़ी माताओं को ज्ञान तो समझ में आता नहीं तो उन्हें साक्षात्कार होता रहता है, वो अपनी साक्षात्कार की बातें सुनाती है। और बुद्धि बुद्धि हाथ भी है, बुद्धि पांव भी है और बुद्धि सुई भी है, वो तीखी है बहुत, जैसे तलवार तीखी होती है सुई की नोक भी बहुत तीखी होती है। राम की बुद्धि से उन्हें पार होना पड़ेगा है, राम की बुद्धि से हर मणके को पार होना पड़ेगा, मना होगा कैसे परिवार। हाँ, हर मणके को उस बुद्धि से पार होना पड़ेगा, क्रॉस होना पड़ेगा। विष्णु के साथ वही बात है, विष्णु वाली आत्मा विष्णु माला भी बनेगी तो वहाँ पे वही बात है। हाँ, रुद्रमाला हो चाहे विजय माला हो चाहे भक्त माला हो, बुद्धि रूपी सूची से तो क्रास होगा। और तुलसी प्रभा बाग में देखती कुमराए राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर रहे, इसका पूरा क्या है? तुलसी जो है वो बाग में, उसका बाग भी होता है, देखा है तुलसी का बाग? नहीं देखा? हम बताते, बद्रीनाथ जो पहाड़ है जहाँ बद्रीनाथ मंदिर है वहां तुलसी के बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। उस बाग में आदमी जाए तो डूब जाए, देखने में भी नहीं आता, पर्वत पर लहराता है। और आगे राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर है, देखो वो राम के भरोसे है, राम माने भगवान, उसको किसी के आधार की दरकार नहीं है, और तुलसी को तो जानते ही है, तुलसी के बगैर भगवान का भोग लगता नहीं है।